सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अक्षराज वर्ल्ड अगेन। एंड गाइज, आज हम ट्राई करने वाले फेमस डलगोना कैंडी। और गाइज, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, दैट्स माई किचन। और अगर हो सका तो मैं आपको कभी अपना किचन का टूर भी करवाऊँगी और हाउस का भी, ओके टॉर आई मीन टू सी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग आवर डलगोना कैंडी। सो सिंपली मैंने यहाँ पे ले लिया बेकिंग सोडा पहले से, आप बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। मैं करछी, गाइस करछी में बनाएंगे हम। थोड़ा बहुत आपको टॉर हो गया होगा किचन का, बाकी मैं करा दूंगी कि नहीं हुआ का। अभी हम स्टार्टिंग करेंगे लेकिन एक मिनट ना, मैं अभी आई दो मिनट में, ओके। तो गाइस सिंपली हमें इस चीनी को मेल्ट करते हैं, मैं आपको मेल्ट करके मिलती हूँ। गाइस इस तरह से मेल्ट कर रही हूँ इसे और मैं आपसे मेल्ट करके मिलूँगी। सॉरी, तो गाइस अभी मेल्ट हो गई, मैं थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालने वाली हूँ। वेट अ मिनट, इतना थोड़ा सा भी नहीं गाइस, थोड़ा ज़्यादा इसको मिक्स कर लेती हूँ फटाफट। सिंपली चकला बन गया, चकला पैन पे हम डालेंगे अपना ये मिक्सचर फटाफट। और इसको मैं शेप देने के लिए थोड़ा ठंडा होने देते हैं, ठीक है, फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया तो मैं इसको शेप देने के लिए डालती हूँ। एक मिनट, मिल गया मिल गया। सो इस कैप से हम इसको देंगे, इसमें मैंने बेकिंग सोडा रखा हुआ था, इस तरह से शेप देंगे ना। यार ये यही तो प्रॉब्लम है, इसकी चिपक जाता है ये। आई मेरे को बहुत लंबा है गाइस, ने ले लिया और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा शेप देती हूँ। परफेक्ट सर्कल नहीं मेरा गाइस, क्योंकि मैंने थोड़ा सा शायद हॉट पे डाल दिया, बट चलो कोई बात नहीं, जैसा बना ठीक है। और मैं थोड़ा सा इसको प्रेस कर रही थी एंड लो, परफेक्ट सर्कल बन गया। चलो हम डलगोना कैंडी चैलेंज भी ले लेते हैं। तो गाइस इसको निकालते निकालते ना यहाँ से, मतलब थोड़ा सा इसका पार्ट टूट गया, बट अब हम चैलेंज ले लेते हैं। और ये मेरे एक हाथ में कैमरा है तो नहीं, ये तो गलत सर्कल कटा है। सो गाइस मेरा चैलेंज जो है सक्सेसफुली डन तो नहीं हुआ, बट थोड़ा बहुत बन गया था ठीक। सो गाइस मुझे कमेंट करके बताओ और किस चीज़ की डलगोना कैंडी बनानी। बाय बाय।